खेसारी भाई की बहुत बड़े फैन है, उनका फोटो हाथ पे बनाई है। वही सौम्या पोखरेल जो नेपाल की बहुत बड़ी टिकटॉकर है, उसके टिकटॉक अकाउंट पर लगभग 7 लाख से ऊपर फॉलोअर थे, लेकिन अचानक उसका टिकटॉक अकाउंट डिलीट हो चुका है। अब इसके पीछे का कारण ये है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो जब पवन सिंह को बोली, पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, तो पवन सिंह के फैन उसके टिकटॉक अकाउंट पे जाके रिपोर्ट मारे और उनका जो है टिकटॉक अकाउंट डिलीट हो चुका। तो पहले बात बता देता हूँ कि पवन सिंह की वजह से उनका टिकटॉक अकाउंट डिलीट नहीं हुआ है। 2-4 लोग टुच्चे लोग जाके रिपोर्ट मारेंगे, उसका टिकटॉक अकाउंट डिलीट होने वाला नहीं है और टिकटॉक अकाउंट आ जाएगा। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात है, लेकिन आज जब सौम्या पोखरेल का टिकटॉक अकाउंट डिलीट हुआ है तो वहीं पे एक प्रीति पासवान है जो पवन सिंह को सपोर्ट करती है, वो भी नेपाल की बहुत अच्छी टिकटॉकर है, लगभग 8 लाख से ऊपर उसका जो है फॉलोअर थे, लेकिन उसका भी टिकटॉक अकाउंट डिलीट हो चुका है। तो भैया जब पवन सिंह के फैन उसके सौम्या पोखरेल पे जाके रिपोर्ट मारे उसके टिकटॉक अकाउंट पे, तो खेसारी फैन भी जाके प्रीति पासवान के टिकटॉक अकाउंट पे रिपोर्ट मारे तो उसका भी डिलीट हो चुका है। तो भैया यहाँ पे डिलीट होने का कोई रीज़न नहीं पता कि इस वजह से रीजन से वो डिलीट हुआ है, और अपने आप में सब बोल रहे हैं अरे पवन सिंह का पावर है, पवन सिंह का पावर है और टिकटॉक अकाउंट डिलीट हो गया है। तो पवन सिंह का पावर है तो खेसारी का भी तो पावर निकला कि प्रीति पासवान जो पवन सिंह को सपोर्ट कर रही है उसका भी चैनल, उसका भी टिकटॉक अकाउंट डिलीट हो चुका है। तो पावर की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, डिलीट हुआ है किसी दूसरे वजह से, यहाँ पे पवन सिंह से जोड़ा जा रहा है। भाई पवन सिंह का इतना पावर नहीं है कि टिकटॉक अकाउंट डिलीट करवा सके और टिकटॉक अकाउंट हिला दें। चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया में सबसे नंबर पे डाउनलोडिंग एप्स है, तो भैया उसको डिलीट करवाने की कोई बात नहीं है कि पवन सिंह डिलीट करवाए हैं, वहाँ खेसारी लाल यादव डिलीट करवाए हैं, डिलीट करवाने की किसी की बात बस की बात नहीं है। अगर जनता रिपोर्ट मारती है किसी के टिकटॉक अकाउंट पे तो हो सकता है उसका टिकटॉक अकाउंट डिलीट हो, लेकिन पवन सिंह डिलीट करवाए हैं नहीं है। पवन सिंह के फैन जाके उस पर अगर रिपोर्ट मारे हैं तो रिपोर्ट मारने की वजह से डिलीट हुआ है, ठीक है, लेकिन वही खेसारी फैन भी तो जाके प्रीति पासवान उतनी बड़ी टिकटॉकर है उसका भी तो डिलीट करवा दिए हैं। तो भाई यहाँ पे कंपटीशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे पवन सिंह से ज़्यादा फैन जो है खेसारी के फैन है। अगर पवन सिंह के फैन किसी को गाली करेंगे तो पवन सिंह खेसारी के फैन उनको दोबारा जाके उससे दुगनी उसमें गाली करने लगते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं है, किसी का अगर टिकटॉक अकाउंट डिलीट होता है तो उसकी वजह से आप लोग बढ़ किए ना है कि इसकी वजह से डिलीट हुआ है, उसकी वजह से डिलीट हुआ है। बाकी अपना अपना जो ज्ञान बांट रहे हो कि पवन सिंह का पावर है, पवन सिंह का पावर है, पवन सिंह का पावर नहीं है, जनता का पावर है, जनता चाहेगी इसको उसको हीरो बनाएगी, जीरो बनाएगी, टिकटॉक अकाउंट किसका डिलीट होना है वो जनता तय करती है, ठीक, पवन सिंह तय नहीं करते हैं। वहीं पर आप लोग को पावर पता चल गया, खेसारी के भी पावर है और वहाँ पर पवन सिंह का भी पावर है, ठीक है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को जो है दबा के सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा वीडियो हमेशा आप सबको देखने को मिले। चलते हैं आज की वीडियो में, तय है अगले टॉपिक पे मिलेंगे फिर।